प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया तो इससे इजी चैप्टर आपको पूरे मैथ्स में नहीं मिलेगा। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको सॉल्व करने में बड़ा ही मजा आता है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। तो आज हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वो भी इतनी इजी लैंग्वेज में जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं। तो चलिए प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वॉचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.1। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजिए, क्योंकि वो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं तो आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक नहीं पहुंचती है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। उसको हम समझेंगे अपनी नॉर्मल भाषा में, जैसे कि हम आपस में बात करते हैं, डेली यूज करते हैं उन वर्ड्स को, उसी तरह। तो सबसे पहला वर्ड है प्रोबेबिलिटी, जिसके नाम पे ये चैप्टर है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, ठीक है। हम कहते हैं ना कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपके घर आने वाला हो, तो आपको डाउट है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो हम क्या बोलते हैं कि 50-50 चांसेस हैं, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, यानी कि उसके आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांस, ओके। इवेंट, इवेंट हम नाम देते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी का एक्शन, यानी कि जैसे आपके किसी फ्रेंड को आना है तो उसका जो आना है, जो आने की वर्ब है, दैट इज द एक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। आउटकम्स जो हम इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज करेंगे, वर्ड आउटकम उसका मतलब है रिजल्ट, ठीक है। किसी भी चीज का आउटकम क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर है आपके पास कुछ बॉल्स, ठीक है। ये एक रैंडम हमने बॉल्स ली है, इन पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 15 तक, और इस बॉल में से अगर हम कोई बॉल पिक करते हैं जो कि हमें नहीं पता, अभी ये सामने आपको विजिबल है, बट सपोज करो कि ये बॉक्स जो है वो क्लोज है, आपको बॉल्स नहीं दिख रही है, तो अगर आप जब बॉल पिक करोगे तो कोई भी बॉल आ सकती है बाहर, आपके हाथ में कोई भी नंबर की बॉल बाहर आ सकती है, ठीक है। तो क्या बॉल बाहर आएगी, उसका आउटकम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द रिजल्ट। यानी कि एक्शन क्या हुआ इसमें, इवेंट क्या हुआ, बॉल को पिक करना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यानी चांस कितने हैं कि अगर मान लो आपको 10 नंबर की बॉल चाहिए तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो बॉल 10 नंबर की ही होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। और क्या बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड द रिजल्ट, ओके। पॉसिबल आउटकम का मतलब होता है जितनी भी इसमें बॉल्स हैं कोई भी बाहर आ सकती है। जब आप बैग के अंदर हाथ डालोगे और उसमें से बॉल निकालोगे तो जरूरी नहीं है ना कि 10 नंबर आए कि 12 आए, 1 से लेकर 15 तक की कोई भी बॉल आपके हाथ में आ सकती है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्शन। जब हम बॉल निकालेंगे तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 15 तक कोई भी नंबर की बॉल हमारे हाथ में आ सकती है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम जैसे हमको चाहिए 10 नंबर की बॉल, तो वो हमारे फेवरेबल है, वो हमको पसंद है, इसीलिए हमने उसको चूज किया है, तो हम वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। तो आपको उसी चीज की प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालना है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो फेवरेबल आउटकम, जो फेवरेबल रिजल्ट हमको चाहिए, वो रिजल्ट टोटल में से उस रिजल्ट के आने के चांसेस कितने हैं, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, रिजल्ट है किसी भी एक्शन का, जो एक्शन हम करने वाले हैं उसका वो रिजल्ट जो हम चाहते हैं, ठीक है। ट्रायल्स यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स दैट एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी कि आपने एक बार हाथ डाला, 5 नंबर की बॉल आ गई, तो ये तो आपका फेवरेबल आउटकम नहीं हुआ, आपको 10 नंबर चाहिए, ठीक है। फिर आपने सेकेंड टाइम हाथ डाला बैग में, तो आपको 3 नंबर की बॉल आ गई। फिर आपने थर्ड टाइम ट्राई किया, तो आपको 7 नंबर की बॉल्स आ गई, ठीक है। तो ये जो आप बार बार अटेम्प्ट कर रहे हो एक्शन, दिस इज कॉल्ड द ट्रायल्स, ठीक है। यानी कि आपने 5 ट्रायल किए, 10 ट्रायल, हो सकता है फर्स्ट ट्रायल में ही आ जाए आपका फेवरेबल आउटकम, हो सकता है 10 ट्रायल्स में भी ना आए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, दिस इज ऑल अनप्रिडिक्टेबल। तो जब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है
तो हम दो चीजों को ध्यान में रखते हैं कि एक तो हमको फेवरेबल आउटकम यानी फेवरेबल रिजल्ट क्या चाहिए और दूसरा उसके टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, यानी कि हमारे केस में जो हमने अभी एग्जांपल लिया हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है 10, हमको 10 नंबर की बॉल चाहिए और टोटल आउटकम्स कितने हैं 15, क्योंकि 1 से 15 तक इसमें बॉल्स हैं, तो कोई भी बॉल आपके हाथ में आ सकती है, हमको नहीं पता, ठीक है, यू नेवर नो कि कौन सी बॉल आपके हाथ में आएगी। तो प्रोबेबिलिटी को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स यहां पर कितने हैं, सपोज करो जो एग्जांपल हमने लिया 10 और टोटल है 15, तो अगर हम इसको 2 से 5 से कट कर दें तो 5 टू 10, 5 थ्री 15, सो 2/3 प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/3 कि आपका 10 नंबर की बॉल आपके हाथ में आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, ठीक है। 2/3 का मतलब जब आप इसको पॉइंट्स में निकालोगे सो दिस विल बी 0.666, वो कंटिन्यूशन में आता जाएगा, ठीक है। तो 0.6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टोटल एक्शन, राइट। तो अब आपको यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो आपने फेवरेबल आउटकम निकाला है कि उसकी पॉसिबिलिटी 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ी और 1 के बराबर या उससे छोटी होती है, ठीक, क्लियर है ये बात। 0 पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है कि वो आउटकम जो है वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि इस बॉक्स में से एक बॉल निकालो जिसका नंबर 16 हो, तो पॉसिबल है क्या, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, बॉल ही 15 है, तो 16 नंबर की बॉल हम कैसे निकालेंगे। सो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि आपको जो है किसी बैग में एक ही बॉल है और आपको हाथ डालकर वही बॉल निकालनी है, तो डेफिनेटली वही बॉल आएगी, तो 100% प्रोबेबिलिटी है, तो उस समय पर आपकी प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या आएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है, नेगेटिव में नहीं होती है और 1 से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में 0 के बराबर हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है। अगर 1 आ गई प्रोबेबिलिटी तो इसको हम कहेंगे श्योर प्रोबेबिलिटी या फिर सर्टन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, बहुत डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब मत कहना कि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि हम एक्सरसाइज 15.1 को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो करें, शुरू करें, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्वेश्चंस जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं, एक्सप्लेन आपको करना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, उस पर बेस्ड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो ये तीनों क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स, जो पूरा फिल इन द ब्लैंक्स उसी थ्योरी पर बेस्ड है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, 2/3, -1/5, 15% एंड 0.7, ठीक। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होती है। इसको हम पीई लिखते हैं, पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्शन, ई यानी इवेंट, किसी भी एक्शन की प्रोबेबिलिटी, उस एक्शन का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, यानी कि बॉल पिक करने की, डाइस की, या फिर कार्ड्स या गेम की कोई भी प्रोबेबिलिटी है तो उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, ठीक, 0 से 1 के बीच में होती है। अब 2/3 जो है, 2/3 अभी हमारे पास आया था, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.6 आती है, ठीक है, तो ये तो एक प्रोबेबिलिटी है। -1/5 यानी कि बी, ऑप्शन बी, दिस इज द चॉइस जो हमको यहां पर चूज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन बी है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्योंकि माइनस में नहीं होती है प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ पीई इक्वल्स टू 0.05, हमको पीई दिया हुआ है 0.05, ठीक है, हमको निकालना है
नॉट ई। अच्छा यहां पर एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, भूल गई मैं आपको बताना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आप निकाल लोगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आप निकालोगे उसको पीई से डिनोट करते हैं, ठीक। और अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की निकालना है, यानी उसकी संभावना ना हो, तो उसको हम पढ़ते हैं पीई बार, और वो होता है 1 माइनस पीई। यानी जो भी आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको 1 में से माइनस करेंगे। 1 में से क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी, श्योर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होती है। तो हम 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ना आने वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक। सिमिलरली अगर हमको ये दी हुई है तो नॉट ई हम कैसे निकालेंगे? पीई नॉट हम कैसे निकालेंगे? इसको इधर कर देते हैं और इस वाले को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो पीई नॉट निकालेंगे 1 माइनस पीई से, तो 1 माइनस पीई हमको कितना दिया है? 0.05। तो 1 माइनस 0.05 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 में से माइनस करेंगे तो दिस विल बी 0.95। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है? 0.95, ठीक है। 0.05 होने की प्रोबेबिलिटी है और 0.95 ना होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि वो काम नहीं हो सकता। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा वापस से 1, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई नॉट, इसको हम पढ़ते हैं पीई नॉट इक्वल्स टू 1। इन दोनों का एडिशन मिलाकर होता है हमारा 1, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? जब बैग में है ही नहीं, केवल लेमन कैंडीज का बैग है, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0, ठीक है, 0 प्रोबेबिलिटी, यानी कि इम्पॉसिबल। जब उसमें वो चीज है ही नहीं तो आप कैसे निकालोगे? सेकंड है इसका कि एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? अगर उसमें लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडीज हैं सारी की सारी, और जब आप बैग में हाथ डालोगे तो लेमन फ्लेवर ही आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी फुल है, सर्टन है, श्योर है कि प्रोबेबिलिटी उसकी 1 है, क्योंकि जब भी आप बैग में हाथ डालोगे तो लेमन कैंडी ही आएगी, उसमें कुछ और है ही नहीं, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है 0 एंड सेकंड का है 1। ओके, सेवंथ क्वेश्चन इज इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक, और 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट पर ना हो, सेम डेट पर ना हो, उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992, ठीक है। तो हमको यहां पर क्या दिया हुआ है? पीई ऑफ ई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? नॉट ऑन सेम डे, बर्थडे नॉट ऑन सेम डे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992। तो हमको क्या निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, और अगर ये ना होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो होने की कितनी होगी? टू बी ऑन सेम डे, 1 माइनस 0.992, isn't it? क्योंकि ये दोनों आपस में मिलाकर बनते हैं 1, ठीक है, वही था ना हमारा फॉर्मूला पीई प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू 1। तो हमको पीई नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पीई कैसे निकालेंगे हम? पी निकालने के लिए 1 में से पीई को नॉट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 0.092, तो 1 माइनस 0.092 करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 0.008, एंड दिस इज द आंसर, ठीक। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई बैग के अंदर? 8 बॉल्स, ठीक है, 3 रेड हो गई और 5 ब्लैक हो गई, मिलाकर टोटल 8 बॉल्स हो गई। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में से एक बॉल रैंडमली ड्रॉ की है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड? अच्छा, अब हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? रेड बॉल की, ठीक है, रेड बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जितनी रेड बॉल्स हैं
यानी ये फेवरेबल आउटकम्स हमको रेड चाहिए ना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल कितने हैं पॉसिबल 3/8, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/8। सिमिलरली नॉट रेड, अब हमको रेड मिल गया है 3/8, तो नॉट रेड का क्या होगा, नॉट रेड का क्या होगा 1 - 3/8, 1 - 3/8 यानी किसको आप सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट द आंसर 5/8। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है 3/8 एंड सेकेंड का आंसर है 5/8। नाइन्थ क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 9 इज अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, ओके 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, ओके सो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 8 + 4 = 12 + 5 = 17, ओके 17 मार्बल्स टोटल हैं एक बॉक्स में। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट द रैंडम, एक निकाल लिया उसमें से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट टू बी रेड। अब इसका फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, रेड आने की, ठीक है रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं रेड मार्बल्स 5, यानी कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं 5 और डिवाइडेड बाय पॉसिबल, कोई भी आ सकता है भाई, जरूरी नहीं है ना रेड ही आए, व्हाइट भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, तो हम सारे जितने भी नंबर हैं उनको लेके चलेंगे, सो दिस इज 5/17। ठीक, सो पॉसिबिलिटी ऑफ रेड मार्बल है 5/17। सिमिलरली पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल क्या होगी, चलो अच्छा ये आंसर ना मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल क्या होगी, सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे नंबर्स, फटाफट आंसर आ जाएगा 2 सेकंड में, जल्दी से मुझे लिखकर बताओ। ठीक है, अब हमको निकालना है पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले ग्रीन की पॉसिबिलिटी चाहिए ना, तभी हम नॉट ग्रीन निकाल पाएंगे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या है हमारे पास, ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी 4/17। ठीक, तो ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी ग्रीन बार लगा देते हैं ऊपर, 1 - 4/17, सो ये हो जाएगा हमारे पास 13/17। ठीक, तो ये दो आंसर मैंने आपको बता दिए हैं और ये बीच वाला आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख कर बताओ। ओके, 10th क्वेश्चन इज अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, 51 रुपीज कॉइन एंड 22 रुपीज कॉइन एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। अच्छा ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास 180। ठीक, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए हमारे पास 180। अब हमको पॉसिबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमको किस चीज की निकालनी है, इफ इट इज इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि बराबर पॉसिबिलिटी है, बराबर पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ठीक, मतलब आपको इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, व्हाट इज द, इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, अगर पिगी बैंक को उल्टा कर दें तो कौन सा कॉइन बाहर आएगा उसकी पॉसिबिलिटी इक्वल है, यानी कोई भी कॉइन बाहर आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो 50 पैसा कॉइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 50 पैसा कॉइन कितने हैं 50 पैसे के कॉइन 100 by 180। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 5 10, 2 6 2 9 18, सो इट इज 5/9। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या ऑप्शन दिया, विल नॉट बी 1 रुपीज कॉइन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें और कुछ भी नहीं पूछा, विल नॉट का मतलब होता है पी 50 पैसे कॉइन जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, बार लगा देंगे, सो 1 - 5/9, सो दिस विल बी 4/9। ओके, इजंट इट सिंपल, कितना सिंपल है प्रोबेबिलिटी, है ना, बहुत आसानी से कर पा रहे हैं हम। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो 11th क्वेश्चन इज गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 male fish, ओके एंड 8 female fish, सो 5 + 8, 13 total fishes हैं। ठीक है, 13 fishes हैं उस एक्वेरियम में। ओके, अब हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, टोटल है 18, मेल फिश कितनी है, मेल फिश है हमारे पास 5, ये है हमारे पास मेल फिश और ये है हमारे पास फीमेल फिश। ठीक है, तो हमको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है ऑफ मेल फिश,
कितनी हो जाएगी, 5/13, एंड दिस इज द आंसर, है ना। पिक्चर बना के आपको दिखाया है कंफ्यूज करने के लिए, जैसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ हो और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया विद इन अ सेकेंड। तो कितना सिंपल है प्रोबेबिलिटी, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर 1 to 8। 1 से लेकर 8 तक नंबर उसमें लिखे हुए हैं। आपने वो फॉर्च्यून वाला देखा होगा ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसको आप घुमाते हैं तो उसमें कोई कुछ भी लिखा होता है तो वो प्राइज मनी आपको मिल जाती है। ठीक है, इस तरह के गेम्स बहुत होते हैं, तो उसी तरह से ये एक गेम है आपका स्पिनिंग गेम। इसमें 1 से लेकर 8 तक के नंबर लिखे हुए हैं, एंड दीज आर इक्वली लाइटली आउटकम्स, यानी कि कुछ भी नंबर आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? 8 पे पॉइंट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8 कितनी बार है? एक ही बार है, यानी कि 1/8। टोटल नंबर ऑफ उसमें कितने नंबर्स हैं? टोटल 8 नंबर्स हैं, तो 8 में से 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ही बार आएगा, क्योंकि एक ही बार लिखा हुआ है 8, सो 1/8। ठीक है, सेकेंड इज एन ऑड नंबर। अच्छा, 1 से लेकर 8 तक में कितने ऑड नंबर आते हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4/8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा बड़े कौन से नंबर हैं? सारे नंबर 2 से ज्यादा बड़े हैं, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 6/8, यानी कि 3/4। ठीक है, ये हो गया थर्ड का आंसर। और फोर्थ की प्रोबेबिलिटी क्या है? अ नंबर लेस देन 9, सारे ही नंबर लेस देन 9 है, तो लेस देन 9 नंबर की क्या पॉसिबिलिटी होगी? 8 नंबर हैं जो लेस देन 9 है आउट ऑफ 8, तो पॉसिबिलिटी है 1। यानी कि कोई भी नंबर आप स्पिन को घुमा लो, उसमें सारे नंबर जो आएंगे एरो के सामने वो 9 से छोटे ही होंगे, तो ये श्योर है प्रोबेबिलिटी कि 9 से छोटा नंबर ही आएगा। ठीक, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 1। ओके, 13th क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए? हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हुए? 1 भी एक प्राइम नंबर है, 2, 3 एंड 5, 4 नंबर हुए प्राइम। कितने में से? टोटल नंबर 6। ठीक है, 4 में से 6 नंबर्स हुए, सो 2 2 4, 2 3 6, 2/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर कमिंग द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज अ नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच में कौन सा नंबर है? 3, 4 एंड 5। कितने नंबर हैं बिटवीन 2 एंड 6? 3 आउट ऑफ 6, सो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी? 1/2। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से ऑड नंबर? 1, 3, 5, 3 है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/6, तो ये भी हमारा हो गया 1/2। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों पॉइंट के आंसर हमने यहां पर निकाल लिए। ठीक है, ओके, 14th क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा, ये जो कार्ड्स का कंसेप्ट है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अगर आपने कभी कार्ड्स नहीं खेले हैं तो आपको एक बार ये समझना होगा कि 52 कार्ड्स के पैक में 13 कार्ड्स के 4 पैक्स होते हैं, 13 कार्ड्स के। ठीक है, 13 हार्ट होते हैं एंड जो रेड होते हैं। ठीक, 13 हार्ट जो होते हैं वो रेड होते हैं, उसके अलावा 13 ब्रिक होते हैं, ये भी रेड होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, ये ब्लैक होते हैं, और 13 स्पैड्स होते हैं। स्पैड्स कुछ इस तरह से होता है,
अगर आपने कार्ड खेला है कभी तो आपको पता होगा, ठीक है, तो ये भी ब्लैक होते हैं, ठीक। यानी कि आप कह सकते हो कि टू पैक रेड होते हैं एंड टू पैक ब्लैक होते हैं, तो ये चीज जो है वो कार्ड के पैक में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सब में एक जोकर, एक क्वीन, एक किंग, एक एस, एस यानी कि इक्का, ठीक, और बाकी 1 से लेकर 10 तक उसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये कार्ड का पूरा कंसेप्ट है। अब हमको क्या चाहिए इसमें, अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के बॉक्स में कितने किंग होंगे, एक तो इस वाले में होगा और एक इसमें होगा, यानी कि दो किंग हो सकते हैं रेड में। टू बाय कितने, कितने कार्ड्स में से, कितने कार्ड्स में से, 52, सो 2/52 कितना हो गया, ये 1/26, तो फर्स्ट का ऑप्शन का आंसर आ गया हमारा 1/26। सेकेंड इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड यानी कि जिन पे पिक्चर बनी होती है, जैसे कि जोकर, क्वीन और किंग, ये तीनों होते हैं हमारे फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी, फेस कार्ड्स कितने हो गए, देखो 4 इसमें होते हैं, ठीक है, सॉरी 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे, टोटल कितने होंगे, 12 होंगे, क्योंकि जोकर, किंग और क्वीन तीन तीन होते हैं, तो तीनों में चारों पैक्स में से तीन तीन होंगे, तो ये टोटल 12 हो जाएंगे, तो 12/52 इज ये हो गया हमारे पास 3 एंड दिस इज 13, सो 3/13, ठीक, ओके। नाउ थर्ड इज अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड यानी कि दो किंग, दो क्वीन, दो जोकर, किसमें से, रेड कलर में से, कितने हो गए टोटल, 6/52 यानी कि 3/26, ये कट हो जाएगा तो 3/26, ओके। फोर्थ पॉइंट इज अ द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट का क्या मतलब होता है, एक ही हार्ट का जो होता है पैक उसमें एक ही जैक होता है, ठीक है। तो जैक आने की, जैक जो है वो रेड हो, वो आने की, और रेड हो प्लस हार्ट हो, ये आने की पॉसिबिलिटी कितनी है आपके पास, 1/52, क्योंकि एक ही जैक होता है, ठीक। फिफ्थ है अ स्पैड। स्पैड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 13/52, क्योंकि स्पैड कार्ड्स कितने होते हैं, 13, ये देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पर 13/52, 13/52, 13 1 13, 13 4 52, सो ये हो गया 1/4। एंड सिक्स्थ पार्ट इज द क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52, ठीक है। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। फाइव कार्ड्स, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हम यहां पर लिख लेते हैं। फाइव कार्ड्स, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। डायमंड के पैक में से हमने 5 कार्ड लिए, कौन से लिए, एक तो 10 नंबर का लिया, एक जोकर लिया, एक क्वीन, एक किंग और एक इक्का, ठीक है। ये 5 कार्ड हमने लिए हैं एंड ये दे आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। वो हमको दिख नहीं रहे हैं, नीचे की तरफ उनका फेस है। वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, हमने एक कार्ड उसमें से निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज अ क्वीन। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वीन एक ही है 5ों में से, तो 1/5, टोटल 5 कार्ड में से एक ही क्वीन है, सो 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी। सेकेंड ऑप्शन है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। क्वीन निकाल ली और साइड में रख दी, तो कितने बचे, 4 कार्ड बचे, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड इज एन एस। अगर दूसरी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि सेकेंड कार्ड जो है वो इक्का होगा, सो क्या होगा, 1/4, इक्का एक ही है, क्वीन को निकाल कर वापस नहीं जमाया शफल कार्ड में, उसको अलग रख दिया, तो कितने बचे, 4 कार्ड बचे, सो 1/4। और थर्ड क्या पूछा है कि क्वीन, क्वीन आने की, अब 4 जो आपने इसमें से कार्ड निकाले हैं उसमें तो अब बचे हुए कार्ड्स में क्वीन है ही नहीं, क्योंकि क्वीन तो आपने पहले ही निकाल के बाहर कर दी, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, ठीक। सो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। 16 क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। एक पैक है पेन्स का जिसमें से टोटल पेन है 132 और उसमें 12 पेन जो है वो डिफेक्टिव मिक्स हो गए हैं, तो टोटल पेन कितने हो गए, 132 प्लस 12 कितने हो गए हमारे पास टोटल, 144 पेन्स।
ठीक है, 144 पेंस हमारे पास टोटल हो गए। 12 क्या है, डिफेक्टिव वाले हैं, और 32 नॉन डिफेक्टिव यानी अच्छे वाले पेन हैं। अब हमको निकालना क्या है इसमें कि वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इसमें से एक पेन हमने निकाला, 144 पेन्स में से एक पेन निकाला। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। गुड वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छा पेन आए हाथ में हमारे पास, डिफेक्टिव ना आ जाए, तो वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। गुड पेन्स कितने हैं, 132। 132 में से कोई भी हाथ में आ सकता है। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, डिफेक्टिव भी तो आ सकता है, तो हम टोटल लेंगे ना पॉसिबिलिटीज। टोटल कितनी है, 144। जब हम इसको कट करके सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 11/2। ठीक है, तो ये हमारे पास बस एक छोटा सा यही था, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। सो 16th क्वेश्चन में बस हमको इतना ही सॉल्व करना था। 17th इज अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है, टोटल बल्ब्स ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं, कितने हैं, 20 बल्ब्स हैं, 20 बल्ब्स हैं, इसमें सिर्फ 4 डिफेक्टिव हैं। ठीक है, 4 डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे वाले कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 16। ठीक है, 16 नॉन डिफेक्टिव हैं, क्योंकि टोटल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। अब हमको एक बल्ब इसमें से निकाला, डिफेक्टिव बल्ब आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20। 4/20, 4/20 इज नथिंग बट 1/5। ठीक है, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। हमने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था यानी कि नॉन डिफेक्टिव में से हमने बल्ब निकाला और उसको रिप्लेस नहीं किया यानी वापस नहीं रखा, यानी अब एक बल्ब कम हो गया, 20 में से 19 बचे और यहाँ पे 16 में से 15 बचे, क्योंकि जो हमने निकाला वो नॉन डिफेक्टिव था ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेट। अब 19 बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब निकाला, तो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव मतलब एक बल्ब निकाला था पहले जो हमने अज्यूम किया कि वो नॉट डिफेक्टिव है और उसे साइड में रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, तो अब यहाँ पर 15 बचे थे। ठीक है, और एक निकाल के जो वापस नहीं रखा उसमें से 20 में से 19 बचे, तो 15/19 इज द पॉसिबिलिटी कि ये नॉन डिफेक्टिव हो। ये काहे की पॉसिबिलिटी हमने निकाली है, नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की। ठीक, क्लियर है कंसेप्ट, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार अगर समझ में नहीं आया हो तो फर्स्ट जो स्लाइड हमने कंसेप्ट की समझी थी उसको एक बार आप और ट्राई करो समझने का। ओके, 18th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 90 डिस्क है एक बॉक्स में और उसकी मार्किंग की है 1 से लेकर 90 तक, उसको नंबरिंग किया हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2-डिजिट नंबर। ठीक है, अब ध्यान दो, 2-डिजिट नंबर कहाँ से शुरू हो जाते हैं, 10 से लेकर 90 तक सारे 2-डिजिट नंबर होते हैं, यानी कि 10 से जो छोटे नंबर्स हैं, 10 से जो छोटे नंबर्स हैं इस तरफ 1 से लेकर 9 तक, वो 1-डिजिट नंबर है। तो अगर 90 में से ये 9 नंबर्स, 1 से लेकर 9 तक वाले 9 नंबर्स हम माइनस कर दें तो बाकी बचे हुए जो 81 नंबर्स हैं ये 2-डिजिट नंबर्स हैं। राइट, क्लियर हो रही है मेरी बात। 1 से लेकर 9 तक जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो उन 9 नंबर्स को हम टोटल 90 में से माइनस कर देंगे तो बचे हुए 81 जो नंबर्स हैं वो 2-डिजिट नंबर बचे सारे के सारे, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो जाते हैं 2-डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो हमको 2-डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अब क्या हो गई है, 81/90। तो 81/90 ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-डिजिट नंबर। ठीक है, ये जरूर लिख देना इस तरह से P के आगे, और आप किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो लिख देना। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर आ रही हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आप नहीं भूलना। ठीक है, तो ये 9 से कट हो गया, सो दिस विल बी 9/10। ठीक, अब क्या पूछा है हमसे, सेकेंड पार्ट पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप 1 से लेकर 90 तक काउंट करोगे तो 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन 4, देन 9, 16, 25। आप तो है ना 1 से लेके 9 तक सबके स्क्वायर बस मन में याद कर लो। ठीक, 25, 5 का स्क्वायर हो गया 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49,
8 का हो गया 64 एंड 9 का हो गया 81, 10 का हम ले नहीं सकते 100 क्योंकि 90 तक ही है टोटल नंबरिंग। ठीक, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 टोटल नंबर्स हो गए आउट ऑफ 90। तो ये कितनी हो गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/10। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ओके, इसका थर्ड ऑप्शन है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है, जब आप 5 की स्किप काउंटिंग पढ़ी ना आपने बचपन में, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, या तो इस तरह से करते रहो हाथ पे काउंट, और अगर वैसे नहीं करना है तो 90 नंबर्स को टोटल डिवाइड करके देख लो 5 से, कितना आएगा आपके पास, ये आएंगे आपके पास 18। तो 18 नंबर्स टोटल ऐसे आएंगे जो 5 से डिविजिबल रहेंगे। ठीक है, 1 से लेके 90 के बीच में टोटल 18 नंबर्स आएंगे जो 5 से डिविजिबल रहेंगे। तो 18 नंबर ऐसे 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या होगी वो 18/90, यानी कि 2/10। 2/10 को भी हम और कट कर सकते हैं, सो दिस विल बी 1/5। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमने इसके कर लिए सॉल्व। इजी था क्वेश्चन। ओके, नाउ 19th क्वेश्चन इज, ओके 19th क्वेश्चन हम यहां पर पढ़ते हैं। सो 19th क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज सिक्स फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डाइस है किसी बच्चे के पास, उसमें नंबर्स के बजाय पे बजाय लेटर्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई एंड ए। ठीक है, ये डाइस के 6 फेसेस पे नंबर लिखे हुए हैं। डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है, एक बार उस डाइस को फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार है ए, 1 एंड 2, 2 टाइम्स है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ए आने की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, डी कितनी बार है, ए की बार है, सो 1/6। सो 1/3 आंसर फॉर फर्स्ट ऑप्शन एंड 1/6 फॉर द सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। आप स्क्रीन पे जो फिगर देख रहे हो, इस फिगर में एक डाइस फेंका गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ठीक है, आपको एक डाइस फेंकने के बाद ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जाके सर्कल में ही गिरेगा। ठीक, तो देखो, गिरने को तो वो रेक्टेंगल में भी गिर सकता है। ठीक है, गिरने को रेक्टेंगल में भी गिर सकता है, सर्कल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर ही बना हुआ है। तो हमारे यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम यानी कि कहीं पर भी गिर सकता है वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पॉसिबल आउटकम होगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के पूरे एरिया में वो कहीं भी गिर सकता है। सर्कल रेक्टेंगल के अंदर है, सर्कल रेक्टेंगल के अंदर है तो वो सर्कल में भी गिर सकता है, और उसी की पॉसिबिलिटी हमें निकालनी है। लेकिन हमको वो हमारी फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, सर्कल में अगर गिरे तो वो हमारी फेवरेबल आउटकम है, लेकिन हमें पॉसिबल आउटकम भी तो चाहिए ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए यहाँ पर आपको मेजरमेंट दी हुई है 3 मीटर एंड 2 मीटर, एल इंटू बी, 3 इंटू 2 इज 6 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमारा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यानी कि सर्कल में गिरे। अब सर्कल में गिरे तो सर्कल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। 1 मीटर उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस हो गई 1/2, क्योंकि 1 डायमीटर है तो 1/2 × 1/2, सो पाई अपॉन 4। ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी का हम सिंपल सा कंसेप्ट लगा देंगे यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यही था। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पॉसिबल कितने हैं, 6। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी पाई बाय 24 एंड दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूं, क्योंकि ये डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। 21 आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, और अगर नहीं बने तो आप मुझे
मेल कर सकते हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ओके? अभी 22 जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक? एक टेबल यहां पर दिया हुआ है और इस टेबल को हमको फिल करना है कि सम ऑफ टू डाइस, यहां पर दो डाइस हैं तो सम ऑफ टू डाइस दो हो तो पॉसिबिलिटी क्या है, और तीन हो तो ये पॉसिबिलिटी क्या है। तो मैं आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, एक टेबल शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो। जब दो डाइस फेंकते हैं तो फर्स्ट पे वन आ सकता है, सेकंड पे भी वन आ सकता है, फर्स्ट पे वन आ सकता है तो हो सकता है सेकंड पे टू आए। तो इस तरह के 36 कॉम्बिनेशन होते हैं, 36 कॉम्बिनेशन होते हैं जब आप टू डाइस को थ्रो करते हो, ठीक है? इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आपको इन कॉम्बिनेशन में से टू जिनका सम आता है, जिन दो नंबर्स का सम टू आता है वो निकालने हैं, जिनका थ्री आता है वो निकालने हैं, फोर आता है वो निकालने हैं, और उतने आउटकम्स को आपको गिन के यहाँ पर लिखना है, ठीक है? जैसे टू नंबर वाले का आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1/36, ठीक है? क्योंकि 36 कॉम्बिनेशन में से टू आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही में है, कौन से वाले में है, 1-1 में, ठीक है? जिस कॉम्बिनेशन में 1-1 है, एक डाइस में 1 आए दूसरे डाइस में 1 आए तो दोनों का सम मिला के 2 हो गया, तो 2 आने की पॉसिबिलिटी एक ही कॉम्बिनेशन में है तो हमने उसको लिख दिया 1/36। इसी तरह 3 आने की पॉसिबिलिटी किस में होगी, 1-2 हो, या तो किस फर्स्ट पे 2 आ जाए सेकंड पे 1 आ जाए, ठीक है? तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 2, तो 2/36। तो इस तरह से ही आपको टेबल पूरी फिल करनी है, बहुत ही सिंपल है, ट्राई करना करने का आपको बन जाएगा, ठीक? नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ओके? सो क्वेश्चन नंबर 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, ठीक है? एक गेम में एक क्वाइन को टॉस किया 3 टाइम्स और इसका आउटकम जो है वो कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा जब सारे जो आपने क्वाइंस तीनों बार टॉस किए हैं उसमें सेम रिजल्ट आए, यानी एक बार टॉस किया हेड आए, फिर हेड आए, फिर हेड आए, या तो एक बार में टेल आए तो सेकंड टाइम भी टेल आए, थर्ड टाइम भी टेल आए, ठीक है? तो इस तरह से अगर आएगा तो ही हनीफ जीतेगा, ये एक कंडीशन है, ठीक है? सो एंड अदरवाइज ही विल लूज, अगर ऐसा नहीं हुआ, दो पे हेड आ गया एक पे टेल आ गया, सो ही विल लूज, ठीक है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो सबसे पहले तो हमें 3 बार क्वाइन को थ्रो करने पर नंबर ऑफ आउटकम्स की पॉसिबिलिटी लिखना है। हो सकता है तीनों बार हेड 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 आ जाए, ठीक है? पॉसिबिलिटीज को हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं आउटकम्स को, ठीक है? या हो सकता है तीनों बार टेल 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 आ जाए, या फिर फर्स्ट टाइम हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, या फिर हेड हेड टेल आ जाए। ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये आपको खुद से सोचकर लिखने हैं, ठीक है? फिर या फिर हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, टेल टेल हेड भी आ सकता है, या फिर आ सकता है हेड देन टेल एंड टेल। तो कितने हो गए पॉसिबल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 8, यानी कुछ भी हो सकता है। और फेवरेबल हमको क्या चाहिए, फेवरेबल हमको क्या चाहिए कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ही विल लूज द गेम, और गेम कब लूज करेगा, जब उसका सेम ना आए। तो इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि इन पे तो सेम आ रहे हैं, बाकी जितने भी हैं वो फेवरेबल हैं, तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तो कितना हमारे पास प्रोबेबिलिटी, क्या हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, फेवरेबल आउटकम्स 6 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स 8, सो 6/8, 6/8 इज 3/4, ठीक है? एंड दिस इज द आंसर, ओके? सो क्वेश्चन नंबर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है? सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट में, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। अब इसमें वापस से वही टेबल काम आएगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि 5 जो है वो एक बार भी ना आए, ठीक है? तो आप इस टेबल में गिन लो कि कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन है जिनमें 5 नहीं आ रहा है, मैंने ऑलरेडी गिने हुए हैं, 5 विल नॉट कम,
फाइव विल नॉट कम, ऐसे वाले जो पॉसिबिलिटीज हैं वो है 25. आप चाहो तो इस टेबल में काउंट कर लो, और टोटल नंबर ऑफ, जब भी हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके जो टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं वो 36. इस चीज को याद रखना, ठीक है? तो 25/36 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट, फाइव विल कम एटलीस्ट वंस. अब आपको ऐसे कॉम्बिनेशन निकालने हैं जिसमें फाइव कम से कम हो, या तो आगे हो या पीछे हो, ठीक है? बट फाइव कम से कम हो. तो ऐसे वाले कॉम्बिनेशन है हमारे पास 11, और टोटल नंबर है 36. सो 11/36 इज द आंसर फॉर द सेकेंड पॉइंट, राइट? ये जो टेबल मैं आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको आपको याद रखना है. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर. ये है हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो इसको हम समझेंगे. इसमें करने का सॉल्व कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ. इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स, टू टेल्स एंड वन ऑफ ईच. देयरफोर फॉर ईच ऑफ आउटकम्स द पॉसिबिलिटी इज 1/3, ठीक है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कम से कम 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया, हेड 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 आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है. तो इस तरह से जब हम कॉम्बिनेशन बनाए थे तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे थे, और यहां पर लिखा हुआ है 3 पॉसिबल आउटकम्स विच इज फॉल्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, फर्स्ट का आंसर है हमारा फॉल्स, ठीक है? और रीजन हम लिख देंगे कि इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 8 होते हैं. चाहे तो आप आउटकम्स लिखकर भी यहां पर दिखा सकते हो. सेकेंड है कि इफ अ डाई इज थ्रोन, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर. देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2. जब भी आप डाइस को थ्रो करते हो तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है? 1 से लेकर 6 तक ऑड नंबर भी होते हैं, इवन नंबर भी होते हैं, लेकिन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? देखो, ऑड नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ऑड नंबर्स होते हैं, 1, 3 एंड 5. 3 कितने में से? 6 में से, ठीक है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से 3. 3 को कट करेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2. और वही हमको यहां पर दिया हुआ है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, क्लियर है? तो हमने 15.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है. अगर आपको समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको, और लाइक तो जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए. सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके वीडियो बनाती हूँ. कोशिश करती हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, ताकि आप कम समय में सारा कंसेप्ट इजीली समझ सको. सो प्लीज प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर देना. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू एक्सरसाइजेस. टिल दैट, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय.